बेसिकली मैं प्ले कर रहा हूँ करण, जो कश्मीरी पंडित है. और बात ऐसी है कि मैं असली में खुद कश्मीरी पंडित हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेरी पहली फिल्म में मैं वही किरदार प्ले कर रहा हूँ जो मैं पूरी लाइफ प्ले करने वाला हूँ, जो कश्मीरी पंडित चीज़ है. और मैं इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी टू सी ऑल ऑफ यू एंड इट्स वेरी न्यू फॉर मी. बट मेरे मॉम डैड काफ़ी खुश हैं क्योंकि हम कश्मीर से हैं और ये मूवी कश्मीर पे है. और मैं बिकॉज मेरे डैड ही यूज टू लव क्रिकेट और मैं कभी क्रिकेट खेलता नहीं था, मैं फुटबॉल बहुत खेलता था, तो इस मूवी की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना सीखा. और ही वॉज वेरी हैप्पी दैट मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसमें, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ये मूवी कश्मीर पे बन रही है. तो जब मुझे इसका ऑडिशन आया था तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं पहले टीवी कर चुका हूँ और मैंने सीरियल्स, एड्स और मॉडलिंग काफ़ी ज़्यादा की है. तो ये मेरे लिए काफ़ी एक बड़ी चीज़ थी कि मैं थिएटर पे इतनी जल्दी आ जाऊँगा, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था. तो मैंने जब ऑडिशन दिया और जब उनने मुझे बोला कि आपको कश्मीरी पंडित ही प्ले करना है, तो वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट थी मुझे उस चीज़ की कि मैं ये प्ले करना है. और जब मैंने ऑडिशन दिया और वो जो भी राउंड्स होते हैं जब मैंने क्लियर किया, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब माई फैमिली वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतनी जल्दी थिएटर्स में आ रहा हूँ. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब अपनी फैमिली के साथ जाइए और देखिए मूवी, बिकॉज हम सारे नए एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बिकॉज ये सबका एक पहला प्रोजेक्ट था और सब ने उतनी लगन, उतनी मेहनत और उतनी जान से हर कोई सीन, हर कोई जो भी हमें किरदार मिले सब बेखूबी से निभाएं. तो आई थिंक आप सबको, हम यंगस्टर्स, हम जितने भी नए लोग हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए और आपको देखने जाना चाहिए. मैं प्ले करता हूँ द कैरेक्टर कॉल्ड अजहर. कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू बी टोल्ड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म. बट येस, इट्स अ नेगेटिव शेड कैरेक्टर. एंड व्हेन सौमित्र सर ने मुझे बोला कि ये कैरेक्टर प्ले करना है, माई ब्रीफ वॉज वेरी डिफरेंट एंड येट वेरी सिंपल. आई हैव टू प्ले अ नेगेटिव शेड वाइल कीपिंग इन माइंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ एथिकल द गेम ऑफ क्रिकेट इज. तो ये एक ब्रीफ दिया गया था. एंड द फैक्ट, जब आपने सुना पहले भी कि ये दर्शील जो प्ले कर रहा है उनकी टीम वर्सेस एन अकेडमी की टीम है, तो जो अकेडमी की टीम का एक पार्ट हूँ मैं, जिसके अंदर वी आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, बट उस प्रोफेशनल क्रिकेटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एक नेगेटिव शेड डालना था किसी तरीके से, जिसका ब्रीफ दिया गया है. कैरेक्टर ऐसा है जो मैं चाहूँगा नहीं कि ये मैं एक्सप्लेन करूँ बिकॉज वो फिल्म का मज़ा हट जाएगा. तो मैं प्ले कर रहा हूँ रोहन, एंड रोहन इज वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ अर्जुन जो दर्शील भाई प्ले कर रहे हैं. एंड या सो आई एम जस्ट अ गैंग ऑफ दर्शील भाई द अर्जुन. एंड हम लोग साथ में वी फॉर्म अ टीम टू प्ले अगेंस्ट प्रोफेशनल्स. सो उसमें ऐसा था लाइक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. एंड यस, आई पर्सनली डू रियली लाइक क्रिकेट और मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ. बट लाइक या आई वॉज लाइक इट्स माई स्टिल माई ड्रीम कि मैं क्रिकेटर बनूँ. बट लाइक एक्टिंग एंड पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग सब मैनेज नहीं हो सकता. एंड इसकी वजह से आई वॉज एबल टू सीख सम क्रिकेट ट्रेनिंग. एंड ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. एंड हमने बहुत मज़ा किया. सर आप बताइए. हाय, माय नेम इज निखिल, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़. तो ये करेक्टर मुझे 2021 में महेश भट्ट की पाठशाला हुई थी, तो वहीं पे मैंने किया और ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है. तो काफ़ी मज़ा आया इन सब के साथ काम करके, है ना, लवली टू एक्सपीरियंस. ये बेसिकली हमारे कैप्टन है. तो मैं इस फिल्म में अनवर एज अ कैप्टन हूँ और पहली डेब्यू फिल्म है, बहुत मज़ा आने वाला है. तो बहुत मेहनत की हम सब लोगों ने, तो प्लीज़ यार जाएँ देखने, है ना, इट्स वेरी गुड. अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के साथ स्पेशली फादर और सन, वो तो ज़रूर जाएँ. मतलब मैं आज भी वो सीन देखता हूँ तो अभी भी रो पड़ता हूँ. मतलब कांट एक्सप्रेस माई वर्ड, मतलब अभी भी है ना वो सीन अरुण गोविल और दर्शन जी का. मतलब इट्स, बाकी ज़्यादा बताएंगे नहीं फिल्म के बारे में, है ना, आगे आई थिंक हमें ज़्यादा बताना नहीं चाहिए अपने कैरेक्टर्स के बारे में, बिकॉज आप जाइए देखिए कि